जीत सुनिश्चित करनी है, ईश्वर को साक्षी मानते हुए पुरानी बातों से सबक लेके आगे बढ़ना चाहिए। अब ये साथी बताओगे भाई यशपाल गैंग क्या हो, मैं तो गैंग बताऊं। कनाडा लोकसभा से समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी चौधरी इकरा हसन एक ऐसी प्रत्याशी हैं जिनके सर पर बाप का साया नहीं है, माँ घर पर हैं, बाहर नहीं निकल रही हैं, फील्ड में नहीं है, उनके भाई फील्ड में हैं लेकिन बोलने की पाबंदी है। इकरा हसन अकेले ही संघर्ष कर रही हैं और जिस तरीके से चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन ने आज इकरा हसन के सर पर हाथ रख दिया है तो कितना इनका मनोबल बढ़ा है। इकरा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आप अकेले ही संघर्ष कर रही हैं, आपके सर पर बाप का साया नहीं है, आपके भाई फील्ड में जरूर हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं, माँ घर पर हैं फील्ड में नहीं निकल सकती हैं, अकेले ही संघर्ष कर रही हैं तो क्या कहेंगे? नहीं अकेले कहा, पूरे परिवार के बीच खड़े हैं और सभी लोग साथ में हैं और सभी मदद भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हम लोग चुनाव को जीतने की, सब साथ हैं, अकेली नहीं हूँ मैं, सब परिवार ही हम। मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैंने एक दो दिन पहले आपका वीडियो देखा था और उसमें आप भावुक हो गई थी, रो रही। जी वो तो पिताजी का ध्यान आ गया था लेकिन वैसे पूरा परिवार साथ है। आज चौधरी साहब ने आपके सर पर हाथ रख दिया है तो आपका कितना मनोबल बढ़ा है? जी बहुत, हमारे बड़े हैं पार्टी के, हमारे वरिष्ठ हैं और जब परिवार में इकट्ठा होकर किसी काम के लिए सब लोग लगते हैं तो उसमें मनोबल भी बढ़ता है और हिम्मत भी आती है और हौसला बढ़ता है। प्रदीप चौधरी दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं, पहली बार उन्होंने आपकी माँ को हराया था और वो कह भी रहे हैं कि हमने तो तबस्सुम हसन को हराया था, इकरा हसन तो उनकी बच्ची है। ये देखिए पूरी जो भाजपा है वो एक तकबुर में है अभी, वही उनके नारे उसी तरीके के हैं अभी, लेकिन जनता जो है वो उनके तकबुर को तोड़ने का काम कर रही है। समर्थन किस तरीके का मिल रहा है? समर्थन मिल रहा है सब जगह से, सभी वर्ग के, सभी जाति के, सभी समाज के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो उम्मीद है कि ऐसी कुछ लोग कह रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा तो फिर वही उसी कंडीशन पर चुनाव चला जाएगा, हिंदू और मुस्लिम पर चुनाव चला जाएगा। नहीं ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि जो लोकल इश्यूज है हमारे यहाँ के लोकल मुद्दे जो है वो इस बार ज्यादा मुखर रूप से सामने आ रहे हैं और उनके बीच में जो हमारे माननीय सांसद जी रहे हैं उनका जो कार्यकाल रहा है उससे असंतुष्टि है सभी लोगों में, तो लगता तो नहीं है ऐसा और हम लोग भाईचारा बना के चल रहे हैं और भाईचारा बना रहेगा। इस तरीके से चौधरी साहब को नाराजगी भी दिखाई दे रही थी तो आपका मनोबल टूट रहा होगा? जी परिवार में देखिए हर तरह की बातें होती हैं और अब हमारे बड़े हैं आज हमारे साथ खड़े हैं पूरे उसके साथ, तो इससे हिम्मत बढ़ रही है, पुरानी बातें तो पुरानी, सबके लिए शिकवे दूर हो गई। जी नई शुरुआत करने नई उम्मीद। चौधरी साहब आज आपने सर पर हाथ रख दिया है तो किस तरीके का आप चुनाव होगा? इसके इसके सिर पर तो पहले से हाथ है, ये तो बीच में कुछ बातें थी साथी और समर्थकों की थी तो मैं चीज है, नया चेहरा है, बच्ची है, इसकी तो नई शुरुआत है। दूसरी बात है कि जो पुरानी चीजें उन्हें उखाड़ते रहो तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक उखड़ती रहे, लेकिन नया पुरानी बातों से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए, मजबूती उसी से आती है। जहाँ तक आप कह रहे थे कि उसी कंडीशन में जाएगा चुनाव, आप हिंदू मुस्लिम के आधार पर बात कर रहे हैं, ये देखिए कितने हिंदू यहाँ पे, और उस दिन यहाँ पे थे प्रेस वार्ता, कितना हिंदू था उस दिन पंचायत में, कितना हिंदू था और सारा एकजुट था। तो 2018 से भी बेहतर इतिहास उम्मीद है दोहराया जाएगा। हिंदू मुस्लिम की बात है, ये कहे बात करना बेमानी होगी, जो हिंदू मुस्लिम की बात करें वो लोग दूसरी जगह पे हैं, वो जो उधर फुदकते फिर उनको तो उनका काम है, यहाँ सारे के सारे। अब ये देखिए प्रदीप जो सांसद है उसके गांव के यहाँ पूर्व प्रधान है, वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि है, कहाँ गए वो ये खड़े खड़े होंगे सारे, ये बिट्टू प्रधान आ रहे हैं सारे के सारे, तो दौड़ वाले जितने भी हैं बिलासपुर से खड़े,
किस किस के नाम गिनो, मतलब आप रिजल्ट देखना। एडी चोटी का जोर लगेगा अगर हसन को जिताने के लिए। एडी एड चोटी का तो जोर उन्हें लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं हमारे तो हाँ जो भी है साथी समर्थक वे मजबूत हैं हमेशा। परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के जो आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, ईमानदारी है, सच्चाई है, उनको लेके आगे बढ़ते हुए काम करें, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए। रही उनकी बात जिनकी आप कर रहे हैं, उन्होंने एक बात कही थी, ये अभी जो वर्तमान में ही है, कि भाई ये तो क्या, मैंने तो यशपाल गैंग खत्म कर दिया। अब यहाँ साथी बताओगे भाई यशपाल गैंग क्या हो, मैं तो गैंग बताऊं। लेकिन चौधरी यशपाल सिंह का नाम तो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अंदर एक बहुत सम्मान के रूप में दिया जा। तो हाँ किसका गैंग गैंग खत्म होगा किसका नहीं, ये परमपिता परमेश्वर को पता। हमारा मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा उन्हें कि हम आए या नहीं आए, पहुंचे या नहीं पहुंचे, इकरा हसन का समाजवादी पार्टी प्रत्याशी है, साइकिल का निशान है। जहां पे भी जो प्रोग्राम है हमारे तमाम साथी किसी भी जगह पे है और ये पता है कि यहाँ प्रोग्राम है, तो वो बेखौफ होकर निश्चित होकर वहां पे उस प्रोग्राम को शानदार बनावे। और पोलिंग वाले दिन जो अपना असली रूप है उस रूप के लेकर हमें सामने ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ जीत सुनिश्चित करनी है, ईश्वर को साक्षी मानते।